नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों हमारे कुछ चैनल टेक्निक इंडिया में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्राई का जो नया नियम लागू होने वाला है दोस्तों उसके ऊपर। 23 जनवरी को दोस्तों काफी बड़ा फैसला आने वाला है। अगर दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हो आज, अगर 23 जनवरी है दोस्तों या आज 22 जनवरी को आप देख रहे हो या 23 जनवरी को इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये जो 23 जनवरी को दोस्तों काफी बड़ा फैसला आने वाला है ट्राई के इस नियम के ऊपर। क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने ही पहले आपको बताया कि टाटा स्काई ने दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर है कि इस जो नियम लाया है ट्राई ने, नए प्लान्स लाए, 130 वाला प्लान लाया, उसके बाद आपको अलग कार्ड बेसिस पे चार्जेस लेने वाले लेंगे होंगे, तो उसके ऊपर दोस्तों काफ़ी बवाल हो चुका था। उसके कारण दोस्तों टाटा स्काई ने एक याचिका दायर है दिल्ली हाई कोर्ट में, तो उसके ऊपर फैसला आने वाला है दोस्तों। तो इस फैसले की बात करेंगे दोस्तों, तो ये फैसले के ऊपर काफ़ी बड़ी न्यूज़ आई है दोस्तों। जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से न्यूज़ आई है, उसमें ये बताया जा रहा है दोस्तों अगर जो जो नियमों के ऊपर जो हाई कोर्ट में फैसला आने वाला है, ये अगर दोस्तों ट्राई के खिलाफ आ जाता है दोस्तों तो इसमें ट्राई को काफ़ी नुकसान हो सकता है दोस्तों। और ट्राई को यहाँ पे एक जो अपने प्लान्स बनाए हैं दोस्तों, ट्राई ने नए रूल आउट बनाया है डीटीएच के बारे में, केबल के बारे में नए प्लान्स लेके आए, उसमें काफ़ी चेंजेस करना पड़ सकता है अगर इसमें ट्राई के खिलाफ निर्णय आ जाता है तो ट्राई को सोचना होगा आगे जाके कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंट और भी उसमें संशोधन किया जाए उनके प्लान में, उनके जो नए वाला रूल आया उसके बारे में, और उसके बाद फिर से एक बार वो आ सकते हैं नए प्लान के जरिए। लेकिन दोस्तों यहाँ ये जो उम्मीद थी मुझे कम लग रही है, मेरे को लग रहा है कि टाटा स्काई के खिलाफ ये फैसला जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर टाटा स्काई के खिलाफ ये फैसला चला जाता है तो क्या होगा दोस्तों, तो ये भी खबर निकल के आई है इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से दोस्तों कि टाटा स्काई दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है। अगर हाई कोर्ट टाटा स्काई के खिलाफ फैसला देता है तो यहाँ पे टाटा स्काई सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है। जैसे कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, तो उसमें यहाँ पे एक याचिका डाली जाएगी, काउंटर याचिका डाली जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या होगा दोस्तों कि टाटा स्काई को यहाँ पे जो नया वाला रूल लागू करने के लिए और थोड़ा टाइम मिल सकता है अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो और यहाँ पे टाटा स्काई कोशिश करने वाला दोस्तों कि ये जो नियम लागू करने के लिए जितना देरी हो सके उतना वो करने की यहाँ पे प्रयास जरूर करेंगे, और ये सुप्रीम कोर्ट में जाके वो याचिका डालेंगे और उसके ऊपर थोड़े दिन के लिए, और दोस्तों यहाँ पे रोक लग सकती है ट्राई के नए नियम के ऊपर। तो इस तरह से खबर निकल के आई है। लेकिन दोस्तों ये जो फाइनल फाइनल जो खबर आने वाले है वो 23 जनवरी को शाम तक समझ में आएगी कि क्या फैसला आया नहीं आया। मुझे लग रहा है दोस्तों कि जहाँ तक मुझे लग रहा है ये टाटा स्काई के खिलाफ ही फैसला आ जाता है। अगर दोस्तों टाटा स्काई के खिलाफ ये फैसला आ जाता है, जैसे कि टाटा स्काई सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अगर दोस्तों ये ट्राई के खिलाफ फैसला जाता है तो ट्राई को नए प्लान लेके आने पड़ेंगे, नए कुछ संशोधन करने पड़ेंगे अपने रूल्स में। तो इसी तरह से खबर निकल के आई तो दोस्तों काफ़ी बड़ा दिन है दोस्तों, 23 जनवरी काफ़ी बड़ा दिन है ट्राई के नए नियम लागू होने के ऊपर। काफ़ी बड़ा फैसला यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट देने वाला है। तो इस तरह से खबर निकल के आई थी दोस्तों, मैंने आपको सारी जानकारी वीडियो में दी है, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आई होगी पूरी। अभी आपको सवाल रहेंगे दोस्तों तो आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताए दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह से अच्छे और लेटेस्ट वीडियो आपको मैं हमेशा देने की कोशिश जरूर करता हूँ दोस्तों। तो मैं वैभव आपको मिलता हूँ किसी नए वीडियो ने, साथ अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।